नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी ने इस दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी प्रदेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री समेत केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री को याद करते हुए कहा कि 1991 में उत्तर प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो लोगों को प्रदेश में सुरक्षा और विकास के माहौल के बारे में एहसास हुआ था। सीएम ने कहा, यह एक अद्भुत संगम है क्योंकि कल विश्व उद्यमिता दिवस के साथ नागपंचमी का भी पर्व था। उन्होंने इस मौके पर देश के उन करोड़ों व्यापारियों को बधाई थी जिन्होंने भारत को मेक इन इंडिया के केंद्र के रूप में स्थापित किया। आज अद्भुत संगम है विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 1991 में पूर्व मुख्यमंत्री यानी बाबूजी ने उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए यहां ताल नगरी का गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। साल 2017 से सरकार के विकास और परंपरा के उद्योग को बढ़ाने पर काम किया था। साथ ही सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी काम किया था कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूजी ने राम मंदिर की गद्दी को ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। साल 1990, 1991, 1992 के बाद जो अभियान शुरू हुआ उसी कारण से अयोध्या में राम मंदिर का काम चल रहा है। उन्होंने कहा, अगले साल 2024 में जनवरी महीने में करीब 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। बाबूजी की आत्मा कहेगी कि वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए 1992 में कुर्सी छोड़ी थी। योगी ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास हो रहा है। प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।